प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से सबसे बड़े प्रकाशन के साथ मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत प्रकाशन देता है, आपके सवाल का जवाब प्रभु मुझे देता है, आपके मन की बात जानकर प्रभु मुझे संदेश देता है, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। बहुत टाइम से मुझे यही संदेश परमेश्वर बार बार कह रहा था देने के लिए कि जो प्रार्थना में लोग गिरते हैं, आखिर सच्चाई क्या है, क्यों गिरते हैं, अधिकतर लोग गिरते हैं, क्या ये खुदा का आत्मा है या दुष्ट आत्मा है। आज ये बात आपको पता चलेगी और बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि ये गिरना हम आंखों देखा भी देखा है, हमने वीडियो में भी देखा है, सब कुछ बताऊंगा। प्रभु के प्रकाशन से एक एक वर्ड पे गौर करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये प्रकाशन धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत तो के डाउट क्लियर होंगे, और आज पिता जिस प्रकार लोग गिरते हैं वो सच्चाई सामने आएगी पिता, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि सच्चाई से बहुत लोग आज़ाद भी होंगे। पिता मुझे अपने हाथ में लेना, अपने आगोश में लेना, मेरा बोलता हुआ हर वर्ड पिता तेरी ओर से हो। पिता लोगों को पिता परमेश्वर आज का वचन एक उद्धार का मार्ग दिखाए, एक नया करे, और आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातें करना पिता, इस सभी को आप में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। बिल्कुल मेरे जीव परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर महान है और वो बहुत अद्भुत काम, अद्भुत प्रकाशन मुझे देता है, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो और आपके मन में भी एक सवाल होगा कि भाई ये लोग गिरते क्यों है ना। कई बार मुझसे पूछा भी गया है, और ये प्रकाश देखो बहुत लोग कहते हैं भाई इस पे वीडियो बनाओ, इस पे बनाओ, ऐसे नहीं बनती है। बहुत सारी मैं आपको बताता हूँ, एक विषय ऐसा है 2020 से चला आ रहा है, अभी तक प्रभु ने अनुमति नहीं दी। 2020 से लिखा हुआ डायरी में, 20 से देखो 22 चल रहा है, अनुमति नहीं, लिख तो लिया लेकिन अनुमति नहीं दी। प्रभु की इच्छा जब दे तो प्रभु के प्रकाशन में मिलता है। अचानक से प्रकाशन मुझे मिला, ये मेरा भी सवाल था प्रभु से, और प्रभु ने मेरा सवाल भी दूर आंसर दिया, और आपका भी आज डाउट क्लियर होगा। गिरते क्यों है, अधिकतर लोग क्यों गिरते हैं, सब लोग क्यों गिरते हैं, आइए अपने प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन से हम सबसे बातें करना, सबके डाउट क्लियर करना और सबके जीवन में कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। आज का वचन सबके जीवन में सोगना प्रतिफल लिखा है यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जीजो अधिकतर लोग जो विश्वासी है, अधिकतर लोग, मैं सब नहीं कह रहा हूँ, सब कहूँगा दोषी हो जाऊंगा, अधिकांश यानी कि लोग दुष्ट आत्माओं की वजह से गिरते हैं। आपको ये थोड़ा झटका लग सकता है, आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, आपको कि भाई क्या हम दुष्ट आत्मा है, हमें क्यों दुष्ट आत्मा गई, हमें तो अन्य भाषा मिली हुई है, भविष्य का वरदान मिला हुआ है, वो मैं वही राज प्रभु आज खोलेगा। बहुत डीपली है इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने कहा अधिकतर लोग, सब ने कहा अधिकतर लोग दुष्ट आत्मा वाले गिरते हैं, बीमार वाले। देखो दुष्ट आत्मा का रूप अलग अलग है, अब ये नहीं कि दुष्ट आत्मा एक हो गई उजग्गर वाली है ना, भाई पता चल गया उजग्गर है, एक होती बीमारी की, एक होती श्राप है ना, एक होता बुरी आदत, एक होता साइलेंट जो बिल्कुल अंदर बैठी होती है और प्रार्थना करते क्या होता है गिर जाती है। ये आपने देखा, देखो वचन के अकॉर्डिंग ही बोलूंगा। तो पहला वचन निकालेंगे मती 17, ठीक है, और उसका 14 से पढ़ूंगा, मती 17 और 14 से लिखा है, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। देखो मिर्गी थी यहाँ पे, बीमारी थी लेकिन दुष्ट आत्मा थी बीमारी वाली। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है। क्या गिर पड़ता है, हालेलुया। गिरना क्यों, गिरने का काम है शैतान का, वो गिरा देता है ना। देखिए इसके बजाय गिराज खोलूंगा, एक और वचन जाएंगे जो आपको और समझ आएगा, मरकुस 3 अध्याय और उसका 11वां वचन, मरकुस 11वां वचन लिखा है, अशुद्ध आत्माएं, देखो अब आ गया अशुद्ध आत्माएं, जब उसे देखती यानी कि यीशु मसीह को देखती, जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी अशुद्ध आत्माएं। अब अशुद्ध आत्मा कैसे गिरेगी, आत्मा तो आत्मा है, मनुष्य गिरते थे ना, आत्मा यानी कि जब दुष्ट आत्मा जिस मनुष्य में है वही तो गिरेगा, दुष्ट आत्मा कैसे गिरेगी, मनुष्य के रूप में गिर रही है ना, गिर पड़ती थी और उसके गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत जताया कि मुझे प्रकट ना करना, चिल्ला के निकल भी जाती थी है ना। जब प्रभु के दास खड़े होते तो वहां पे यीशु मसीह होते, खुदा का आत्मा होता है, वो दुष्ट आत्मा जब देखती हो तो वो चिल्ला के ऐसे इसी प्रकार से गिर पड़ती, इसी प्रकार से उनको बीमारी हो, चाहे वो जैसे हले हैंड प्रार्थना हो गई या वर्शिप में हो गया, भ्रम जैसे गिर जाते लोग है ना, हजारों की तादाद में, सोयों की तादाद में। अच्छा एक सवाल है, कभी आपने प्रभु के दास को गिरता हुआ देखा है, अगर ये अभिषेक के द्वारा है
तो फिर पवित्रता क्यों नहीं गिरते? अगर ये प्रभु का वरदान है, दुष्टात्मा मान लो नहीं है ना, अगर कोई कह रहा है भाई दुष्टात्मा नहीं है तो खुदा का अभिषेक उड़ता है तब गिरते हैं, तो परमेश्वर के दास क्यों नहीं गिरते? उनकी तो पावरफुल होता है। हो सकता है एक दो मीटिंग में गिरता हुआ आपने देखा हो, लेकिन अधिकतर नहीं देखा होगा। चाहे आप कोई भी मीटिंग ले लो, कोई भी मिनिस्ट्री ले लो, देखा है कभी? देखो मैंने जब मैं गया था गुजरात में, वहाँ भी लोग गिरे थे है ना, और मेरे भी प्रार्थना हुई लेना, लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता, यानी कि मैं गिरा नहीं। मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन से गिरते हैं दुष्ट आत्मा, कौन नहीं गिरते। देखो दोनों बताऊंगा, दुष्ट आत्मा वाले अभी बताया मैंने आपको, एक और आज खोलूंगा। देखो परमेश्वर धन्यवाद है, और फिर बताऊंगा कि अपने आपको कैसे जांचे कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है या नहीं है। इसके लिए जाएंगे हम प्राय नियम में। ओ पिता तेरा धन्यवाद, बहुत अद्भुत है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है आपको, एक एक वर्ड क्लियर करने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद है, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद, ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्मा वाले भी गिरते हैं मेरे से, तो जिन पे परमेश्वर का अभिषेक है वो भी गिरते हैं, हालेलुया। लास्ट में बताऊंगा कि कैसे पहचानना है कि हमारे अंदर खुदा का आत्मा काम कर रहा है या दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। पहला अब देखो पुराने नियम में यहेजकेल 3 अध्याय और उसका 23वां वचन, यहेजकेल 3:23 में लिखा है, तब मैं उठकर मैदान में गया, यहाँ यहेजकेल नबी है, तब मैं उठकर मैदान में गया और वहाँ क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी पे के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ा था, और मैं मुँह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का अभिषेक से वो मुँह के बल गिर पड़ा, डंडवट करने लगा, हालेलुया। कई बार परमेश्वर गिरते हैं मेरे जी तो, लेकिन हमें वो क्या है, परमेश्वर सबके सामने नहीं गिराता उनको। हो सकता है वो जब बंद कमरे में हो सकता है कि परमेश्वर का अभिषेक इतना पावरफुल हो जब वहाँ से लेके आते हैं और फिर परमेश्वर को खड़ा करता है। जब भी कोई प्रभु का दास किसी को प्रभु के दर्शन देखेगा वो गिर जाएगा, हालेलुया। और यहाँ पे नबी है जो यजकर वो गिर पड़े, और मैं आपको डीपली बताता हूँ देखो, ताकि आपके और समझ आए। दो बताए मैंने आपको, पहला बताया था मैंने दुष्ट आत्मा से गिरते अधिकतर गिरते, और मैंने सारे क्यों नहीं बोले, क्योंकि अधिकतर दुष्ट आत्मा से गिरते हैं और कुछ लोग परमेश्वर के अभिषेक से गिरते हैं, हालेलुया। अब इसे पहचाने कैसे, क्वेश्चन आता है वो भी आंसर मिलेगा आपको। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीजस, ओ पिता परमेश्वर, थैंक यू जीजस, थैंक यू लॉर्ड। निकालेंगे यहेजकेल 43 और उसका 3 वचन कहता है, ये दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कवार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। वही दर्शन, यानी कि जब जब यहेजकेल नबी दर्शन देखते थे मेरे जीजो, तब तक क्या होते थे, वो गिर जाते थे। देखो एक वचन और है, और वह है 44 का, इसी का 44:4 लिखा है, फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया, तब मैंने देखा कि यहुआ का भवन यहुआ के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा, हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्रकाश, मुंह के बल गिरना। और जब ये दो वचन मेरे सामने आए, दो बातें प्रभु ने मेरे सामने रखी, तो फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसका रियलिटी क्या है? तो प्रभु ने यह कहा, जब परमेश्वर का अभिषेक बहुत पावरफुल होता है, तो जब भी लोग गिरते हैं, खासकर प्रभु के दास का गिरना जब भी है संभव, और वो लोग जो आत्मा से भर जाते हैं, और अधिकतर लोग दुष्ट आत्मा के वजह से गिरते हैं, पवित्र बाइबल दोनों को बता रही है। अब आता है सवाल कि हम कैसे पहचाने। पहचान साफ है मेरे अजीजों, जब हम खुदा में हैं तो हमारे अंदर खुदा का आत्मा काम कर रहा है। देखो जो शैतान में है, शैतान का आत्मा काम कर रहा होगा, उसके अंदर क्रोध होगा, गुस्सा होगा, गालियां होगी, यानी कि शैतान का व्यक्ति कैसा होगा, बीमार पड़ा होगा, नहीं होगा, आत्मा से नहीं भरा रहेगा, चिचड़ा होगा, नेगेटिव सोच होगी, वो होता है शैतान की ओर से। और ऐसे लोग ही तो जाते हैं चर्च में, कलीसिया में कौन जाता है, बीमार लोग जाते हैं, और जब उन पर प्रार्थना पावरफुल होती है तो वो आज़ाद हो जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग आत्मा से भरे हुए हैं, जो लोग अन्य भाषा से भरे हुए हैं, और उनको कोई डाउट नहीं है, उनको कोई शक नहीं है, और परमेश्वर का आत्मा को घेरे हुए, और वो दर्शन देख रहे हैं, और वो परमेश्वर में है, अब वो गिरते हैं तो परमेश्वर का आत्मा के कारण गिरते हैं, हालेलुया। समझ गए, अपने आप को आप खुद जान सकते हैं, आपने क्या खाया है आप खुद जान सकते हैं, तो आपके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है।
अगर आपके अंदर खुदा का आत्मा करा तो खुदा जैसे आपका वातावरण होगा ना, शांति होगी, प्रभु की आंख आपको घेरे रहेगी, आपके पास वरदान होंगे, आपके पास परमेश्वर का वो सब कुछ होगा जिसके कारण से आप अभिषेक से भरते रहोगे। हालेलुया। जब शैतान में होगी तो आपके पास जिचड़ा मन होगा, बीमारी होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपको शैतान में, और वो चीज निकलेगी तो आप आजादी फील करोगे। हालेलुया। तो ये दो संकेत हैं जो प्रभु ने बताया है, और दो कारण से अधिकतर लोग गिरते हैं, खासकर अधिकतर लोग दुष्ट आत्मा से गिरते हैं, कम लोग परमेश्वर के प्रकाशन से गिरते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, बहुत अद्भुत प्रकाशन का धन्यवाद करता हूँ, और आज आपने सबको जवाब दे दिया इस प्रार्थना का, इस विषय का, कि लोग प्राथमिक सभा में क्यों गिरते हैं। हाँ मेरे पिता, बहुत लोग जब आज़ादी उनको मिलती है बीमारी से, तकलीफ से, शराब से, अंधकार से, तो पिता तेरा आत्मा उतरता है और दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के जाता है, तो वो गिर जाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं पिता जो आपके वजह से गिरते हैं, अभिषेक से, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके तेज से, आपके पिता परमेश्वर, उस आग के वजह से पिता। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इसलिए अपने आपने इस संदेश को इसलिए दिया ताकि लोगों का डाउट क्लियर हो सके। और आज भी पिता, जितने लोग दुष्ट आत्मा में, जितने लोग बीमार में, जितने लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, चाहे किसी भी रूप में काम कर रहा है पिता, वो गिरे यीशु के सामर्थ्य में, टच इन द नेम ऑफ जीसस, हाउ वी गो फाइन द नेम ऑफ जीसस पिता, गिरे और दुष्ट आत्मा निकल जाए पिता, और जितने अभिषेक से भरना चाहते हैं वो अभिषेक से भरे इन द नेम ऑफ जीसस पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, अपने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करा, इस वचन से आपको कैसा लगा जरूर बताना। जय मसीह।